ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। फगवाड़ा प्रशासन ने उस समय हत्था पैरां दी पै के जदों श्री नंदेड़ साहिब तो फगवाड़ा परते 11 श्रद्धालुओं चो एक ही परिवार दे 3 मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हां विच एक बच्ची भी शामिल है। जिस तों बाद प्रशासन वल्लों तुरंत कार्रवाई करदिआं कोरोना पीड़ित मरीजां नूं कपूरथला दे सिविल हस्पताल रैफर कीता गया है अते बाकी 8 नूं फगवाड़ा दे सिविल हस्पताल दे आइसोलेशन वार्ड विच क्वारंटीन कीता गया है। जिला प्रशासन वालों इन्हां लोकां नूं उन्हां दे घरां विच नहीं भेजा गया है, पर इत्थे जेकर प्रशासन दी चंगी कारगुजारी सामने आ रही है उत्थे इस गल नूं भी नहीं अणगौलिया कीता जा सकदा कि इन्हां श्रद्धालुआं नूं वापस लियाउण समें इन्हां दी सेहत संबंधी पुख्ता प्रबंध नहीं कीते गए सन, जिस कारण बाकी लोगों लिए भी खतरा बढ़ गया है। अजिहा किते जाण दा नतीजा यह निकलिया है कि तरन तारण जो लगातार ग्रीन जोन विच आ रहा सी उत्थे इक्को समय 6 कोरोना पीड़ित लोग पाए गए ने, जो कि प्रशासन की कारगुजारी से एक वड्डा सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी तो रात 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट साढ़े आइसोलेशन सेंटर फरवाड़े तो शिफ्ट किए गए, जिन्हें कि मैंने पता लगा है कि वो पेशेंट नंदेड़ साहब तो फरवाड़े लिया गए थे, तो वो एक दिन वास्ते आइसोलेशन सेंटर जरा सिविल हस्पताल फरवाड़े बनया हुआ उत्थे रुके से और उत्थे उन्होंने टेस्ट लैके जो उन्होंने टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई तो उन्होंने इतने राति देर रात 1:30 बजे के करीब उन्होंने इतने शिफ्ट कर दिता और सारे पेशेंट तीनों पेशेंट जोड़े है एक की एज 58 है, एक की एज एक मेल पेशेंट है जी कि 38 ईयरस का है और एक बच्ची है छोटी 11 साल की। तीनों पेशेंट से कोई अजे कोई सिमटम नहीं है, असं उन्होंने ऑबजर्व कर रहे हैं तो लोड़ मुताबिक दवाई दे रहे हैं। सर रिकवरी कर सकते जल्दी? देखो जी एक तो 14 दिन असी वेट करा और इस दौरान देखते हैं कि किस तरह पेशेंट के सिम्पटम्स अपीयर होंगे उस हिसाब से उन्होंने इलाज चलता रहे। कपूरथला तो नरेश खोसला की रिपोर्ट। तुसी देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल।